Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम अनस के घर जाओगी। मम्मी ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। मम्मी ने ही मुझे वहाँ आपको अपने साथ ले जाने के लिए कहा। मुझे लगता है तुम्हारे आने से मेरी लाइफ की हर चीज ठीक हो जाएगी। थैंक यू। तुम्हारे हर राज को राज रखूंगा। दोस्ती? तुम पागल हो गई हो? आइंदा ऐसी ऑफर करने से पहले ना सोचोगे जरूर। क्या हुआ मानू, यहाँ पे क्यों बैठ गई? जाओ जाके कपड़े बदलो बेटा, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। हम लोग ने भी खाना नहीं खाया, एक साथ खा लेंगे। राहुल मानू, एग्जामिनेशन फीस जमा कराने की लास्ट डेट, मैं इस साल पेपर नहीं दे सकूंगी। किसने कहा कि तुम इस साल एग्जाम्स नहीं दोगी? आप जब फॉर्म ही नहीं जमा होगा तो एग्जाम्स कैसे दोगे? उनके पास तो पैसे भी नहीं। पहले अम्मी के पास पैसे नहीं, मगर अब ऐसा नहीं। तूने मेरी फीस के पैसे दे दिएगा? नहीं, उनका बस चले तो हमें जहालत के अंधेरों में झोंक। उन्होंने हमें पढ़ने की इजाजत इतनी मुश्किल से दी है, फीस कहाँ से दी? आज शाम तक इंशाल्लाह इस काम के पैसे मिल जाएंगे, तुम अपनी फीस जमा करा देना। नहीं आशा, ये तो राशन। मम्मी, जिस तरह घर चल रहा है चलने दे। ये काम हम महानूर और हुदा की बेहतर तालीम के लिए कर रहे हैं ना। हो सकता है इनकी रोशनी इस घर के अंधेरों को दूर कर दे। बेटा ये पैसे अपने फीस के रख लो। जी अम्मी मैं रख। नहीं अभी रख लो, कल सुबह जल्दी जल्दी मैं भूल जाऊंगी और कल आखिरी तारीख है तुम्हारी फीस की। ईश्वर वो पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे बाजी? अरे वही जो मालकी देकर गया है। वो तो मैंने मानूर को दे दिए, कल उसकी फीस की आखिरी तारीख है। फीस से ज्यादा अहम घर के खर्चे, बिजली का बिल जमा कराना है। बिजली का बिल ना जमा कराया तो लाइट काट के चले जाएंगे वो। लेकिन अभी बिजली के बिल में तो बहुत वक्त है। बहस करने नहीं आई हूँ, पैसे दो। मानूर, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही बाजी क्या कह रही है? चलो पैसे दो। अरे पैसे दो। तीन लोग बाजी पूरे हैं? हाँ पूरे। आप जाए अपने जैसा बना रही है इसको भी। चल तू भी दफा, चल चल दर दफा, चल निकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इस वक्त कॉल की, सब खैरियत तो है ना? आयशा मुझे तुमसे मिलना है। अभी? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, यहीं पर हूँ। आप घर क्यों नहीं आ जाते? आयशा मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे घर वालों से नहीं। मुझसे क्यों? सब कुछ कॉल पे बता दूंगा तो तुम्हें बाहर क्यों बुला रहा हूँ। मैं नहीं आ सकती। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुन के मैं चला जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। आयशा मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। मगर ये बात याद रख, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। I'm waiting। सी क्या बात है जो आप मुझे बुला रहे हैं? सुनो
अकेले आना। अकेले क्यों? तुम्हें किडनैप करना है। आपको जो कहना है कॉल पे कह दे, मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि मैंने पहली दफा तुमसे कुछ मांगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। शाम में चलेंगे उल्टा, अभी मुझे बहुत काम है। अम्मी शाम में वो ट्यूशन पे जाती है, उसका पास में ही तो घर है, प्लीज। जिस दिन तुम्हारी स्कूल की छुट्टी होती है ना, उस दिन तुम मेरा दिमाग खा जाती हो। मानू उल्टा के साथ मनाहिल के घर चली जाओ। मुझे नहीं जाना कहीं। प्लीज के पैसे नहीं है, क्या करूँ, चोरी करूँ? सुबह से मुंह बना के बैठी हो। अम्मी मेरा पूरा साल जाया होगा, इतनी मेहनत की है मैंने, क्यों एहसास नहीं है आप लोगों को? अगर आप बीच में नहीं पड़ती ना, मैं वो पैसे कभी फूफो को नहीं देती। तुम्हें पता है वो क्या करती? एक हंगामा खड़ा कर देती। और देखा था तुम्हारे अब्बू कितना गुस्सा कर रहे थे? अब्बू की तो आदत है फालतू में हम पे गुस्सा करने की। मानूर आप ही नहीं जाएंगी, अम्मी आप चले प्लीज। खुदा आशा ऐसे खुदा के साथ तुम चली जाओ मनाली की, और वापसी में 1 किलो घी भी लेते आना, खत्म हो गया घर में। आप ही चले ना, चले ना, चले ना। 1 मिनट इसको चादर तो ओढ़ने दो, कितनी बेसब्री लड़की है। जूती पहन लो, कल हो गई है ये। आयशा तुम्हारे अब बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख, बरज़ख। आप वहां कहां जा रहे हैं? खुदा आप अपने दोस्त के घर जाओ, मैं अम्मी ने जो सामान मंगवाया है वो लेकर आती हूँ। खुदा क्या थी? बाहर मत आना जब तक मैं ना आऊँ, मैं खुद आऊंगी आपके लिए। अनस कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। एक मैं अनस का पूछा। अनस ऑफिस गया हुआ है? नहीं वो तो ऑफिस में नहीं है, मैंने अभी फोन किया है तो वो तो नहीं था वहाँ। मुझे तो कह के गया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शायद किसी ऑफिस के काम से बाहर चला गया होगा। पता करें ऑफिस के बहाने कहीं और तो नहीं चले गए। मेरा बेटा तुम जैसा नहीं है। जाहिर है मैं तो एक ही हूँ इस दुनिया में। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा वो। आप फिक्र नहीं करें, कुछ काम पड़ गया होगा उसको, आता होगा वापस। आप परेशान क्यों होती हैं मामा, मैं आ गया हूँ ना। मैं भी आ गया। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। क्या बात करनी है आपको? पता है आयशा, मुझे हमेशा लगता था कि तानी तुम मुझसे प्यार करती भी हो कि नहीं, लेकिन आज तुम्हारे आने से मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम्हारी जबान कुछ नहीं कहती मगर तुम्हारी आंखें हमेशा मेरी फीलिंग्स का साथ देती हैं। आपने ये सब कहने के लिए मुझे बुलाया था? मैंने तुमसे एक शिकायत करनी थी। कैसी शिकायत? यही कि तुम मुझे अपना नहीं समझती, अपनी प्रॉब्लम्स में ऐसा शेयर नहीं करती।
क्या है? रख लो। मानूर की फीस पे कर देना। आपको कैसे पता चला कि मानूर ने? ये सब बताना जरूरी है क्या? अच्छा, और अगर मैं ना बताऊं फिर? ये नहीं ले सकती। ये मैंने तुम्हें कल कॉल की थी, खुदा ने फोन उठाया, उसने बताई मुझे बात। अब प्लीज उस बच्ची को ना डांटने लग जाए, मैंने खुद उससे पूछी है सारा कुछ। मानूर की फीस का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा, आप हमारी फिक्र ना करें। मैं ये पैसे नहीं दूंगी, मुझे मजबूर ना कर। क्या हुआ आयशा? तुम्हारे अब्बू चिकन ला के रख दिए, अम्मा कह रही है कढ़ाई सादा बना, और हाँ थोड़ी मजे की बनाना क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के लिए लेके जाना है। चले ना, कढ़ाई में जहर मिला दो, मैं नहीं बना रही कुछ। अरे कब तक अपनी फीस का मातम बनाती फिरती रहोगी? इस घर में तुम्हारी आसाइशों के लिए पैसे हैं, मगर हमारी जरूरतों के लिए नहीं। अम्मा ठीक कहती है, तुम लड़कियों को ना ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, दिमाग खराब हो जाता। देखो तुम अपनी अम्मा की कॉल मुझे मत सुनाओ, काश फूफो ने भी दो चार क्लास पढ़ ली होती तो आज हम सबकी जिंदगी सुकून से होती। जबान संभाल के, वो माँ है मेरी और फूफो है तुम्हारी, उनका नाम एहतराम से लेना, समझे? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं नहीं बना रही कुछ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। ये तुम धमकी किसको दे रहे हो? तुम्हें। सुनो, बना दूंगी। हंस क्यों रहे हो तुम? क्या करूं? नष्ट। इतनी मर्ची डालूंगी ना कढ़ाई के नाम से तुम भागोगे। अच्छा प्लीज अब तो रख लो, अब तो मैंने इतना खतरा मोल लिया तुम्हारे लिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं ले सकती। यार उधार समझ के रख लो, जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना। नहीं प्लीज, अब जिद ना करें। जिद तो तुम कह रही हो, अगर तुम ये नहीं लोगी तो मेरा दिल टूट जाए। मैं सीरियस हूँ आयशा। ठीक है तुम ना लो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं इस शर्त पे ले रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वापस मिल। ओके, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है आयशा, मैं तुम्हें अपने हमसफर मानता हूँ। खुदा मेरा इंतजार कर रही हो। सुनो, मैं तुम्हारे लिए बुके ला रहा था, फिर मैंने सोचा तुम बुके तो लेके नहीं जाओगी, उसको रखोगी कहाँ पे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया। थैंक्स। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैं भी आपको अपना अपना गलती हो गई फूफो, माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा। सच्ची आइंदा हुआ ना
तो सारा सालन तुम्हें खिलाऊंगी। दो ये। आपने देख लिया। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख, बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। महानूर ये क्या? कल एडमिशन की फीस जमा करा लेना। आपके पास इतने पैसे कहां से आए? अनस ने दिए। अनस भाई ने ये पैसे आपको कब दिए? और आप कहां मिले अनस भाई से? बेइज्जती हुई है मेरी सबके सामने। मानूर ने अपना सारा गुस्सा हम पे निकाल लिया। अच्छा हुआ मैंने सालन नहीं खाया। तुम फिकर ना करो, अभी पूछती हूँ इस लड़की को। ना तो हमारे अपने भी हमारे लिए नहीं सोचते। अनस भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बात तो साबित हो गई, अगर आपकी शादी अनस भाई से हो ना, वो आपको बहुत खुश रखेंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। बल्कि सिर्फ आपका नहीं, आपसे मुंसलिक हर रिश्ते का बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ महानूर, अनस बहुत अच्छे। सिर्फ अच्छे? वैसे मैंने उनसे कहा है, ये पैसे कर्ज के तौर पर ले रही, जल्दी वापस कर दो। हाँ ये तो क्या, लेकिन हम पैसे वापस करेंगे कैसे? इतनी मिर्चियां डाल दी तुमने सालन में, मुफ्त में आ रही मिर्चियां क्या? सारा सालन खराब कर दिया तुमने। वो मुझे मिर्चों का अंदाजा ही नहीं हुआ, मैंने पहले कभी इतना सालन बनाया भी तो नहीं ना। कामरान की इतनी बेइज्जती हुई है अपने दोस्तों के सामने, तुम्हारी माँ ने ये सिखाया है? गलती हो गई फुप्पो, माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा। सच्ची आइंदा हुआ ना तो सारा सालन तुम्हें खिलाऊंगी। दो ये। आपने देख लिया? भाई मेरा क्या, तो यहाँ कैसे आया? हर चीज ले आती हो तुम लोग अपने कमरे में। तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। आप ही उन्होंने ऐसे मांगा, मुझे लगा उन्होंने पैसे देख लिए। अच्छा चलो छुपा दो। कमजोर होता जा रहा तू। अरे बाजी क्या बताऊं बस। बाजी चाय। कहां से आ रही हो तुम? वो स्कूल गई थी, अम्मी को बता के गई थी। स्कूल? खुदा के स्कूल? क्यों खैरियत है? नहीं हुदा के स्कूल नहीं, यहाँ करीब में एक नया स्कूल खुला है, वहाँ टीचर की जरूरत है, वहीं इंटरव्यू देने गई थी। लो जी अब इस घर की औरतें नौकरी करेंगी, सुन रहे हो शबीर? अब अपना दिल गुर्दा तरह बड़ा कर लो, लोग ताने देंगे कि बेटी की कमाई खा रहा है। इधर आओ, इधर आओ। मैंने इसे भेजा था, मैंने कहा बच्चों को पढ़ा लेगी। इतनी तालीम का क्या फायदा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका फैसला करने वाली बड़ी इस घर में मौजूद है। तूने बाजी से पूछा था? अरे ये क्या पूछेगी, तुम्हारे सामने मुझे इज्जत मिल जाती है, बस ये काफी है मुझे। नहीं पप्पू, अम्मी ने कहा था मैं आपसे पूछ के जाऊँ, मैं जल्दी में पूछना भूल गई। एक थप्पड़ पड़ेगा ना सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बस बस शबीर बैठ जाओ, ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अरे क्या करूं बाजी, जानबूझ के ये दोनों ना गुस्सा दिलाते हैं मुझे। कान खोल के सुन लो, इस घर में बाजी की इजाजत के बगैर एक काम भी नहीं होगा, समझ आई? तू क्या शक्ल देख रही है, चाय ठंडी हो गई बाजी की? चल जा गरम लेकर आ, ले ये। अरे मैं ठंडी पी लूंगी। दे दे बाजी, मैं करूंगा।
आपकी नरमी ने ना इन सबको बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा छोड़, गुस्सा थूक, बैठ जा आराम से। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैं भी आपको अपना अपना जी। बाजी बुलाया था आपने? हाँ, वो तुम्हारी शहजाद से क्या बात हुई? कुछ नहीं बाजी, वही साफ साफ मना कर दिया कि रिश्ता खत्म। बात तो तुम पहले भी खत्म कर चुके हो, मगर क्या उन्होंने ये रिश्ता खत्म किया? नहीं ना। करें ना करें, मुझे क्या, मैंने तो खत्म कर दिया ना। उन्हें लगता है तुम हमेशा गुस्से में रिश्ता खत्म करते हो और थोड़े दिनों बाद राजी हो जाते हो, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी बात को संजीदा नहीं लिया, वरना अब तक तो इशरत किशोर के पास आ चुकी होती। हाजी मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रही। उन्हें ये बात बताना होगी कि आयशा के लिए हमसे कोई उम्मीद ना रखे, बल्कि उन्हें ही नहीं इस घर के हर फर्द को ये बात मालूम होना चाहिए कि रिश्ता यहीं पर खत्म है। ठीक है बाजी, मैं अभी किशोर को बोलता हूँ उन्हें फोन करें और साफ साफ मना कर दे कि रिश्ता खत्म है। फोन पे हर बात नहीं की जाती, आमने सामने जो बात हो उसका असर अलहदा होता है। ठीक है तो बताएं आप कब चलना है। कल चलते, और हाँ किशोर को कह दो कल सब शहजाद के घर चलेंगे। लेकिन बाजी सबको लेके क्यों? मैं चाहती हूँ एक ही दफा सबके सामने ये किस्सा खत्म हो जाए, वैसे भी हमारी उन लोगों से पुरानी रिश्तेदारी है। और हाँ बस अभी ये बात किसी से नहीं करना कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। ठीक है बाजी। ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दुपट्टा दो मेरा। अरे परेशान क्यों हो रही है, घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख मुझे आप। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। अम्मी अप्पू ने हम सबको अचानक एक साथ क्यों बुलाया है? पता नहीं मुझे, अल्लाह खैर करे। आशा तुमने तो अपने अब्बू को दोबारा स्कूल की नौकरी के बारे में तो नहीं कुछ कहा? मम्मी कसम ले लें, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और मानूर तुमने तो, आप सब लोग हर बात का शक मुझ पे क्यों करते हैं? ये तुम्हारी हरकतें ऐसे हैं ना, डर लगा रहता है मुझे सारा वक्त। वो मुझे तुम लोग को बताना था कि कल तुम सब तैयार है ना? हमें कहीं जाना है क्या? हाँ घर। कहाँ जाना है? अम्मी मुझे ऐसा क्यों सुनाई दिया कि अब्बू कह रहे हैं हमें शहजाद अंकल के घर जाना है? हाँ तुमने सही सुना, यही कारण है। क्या वाकई में? ठीक है सही कह रहे हैं आप, मैं अभी इशरत बाजी को फोन कर देती। हाँ बता दो, आयशा घर पे रहेगी, घर का ख्याल रखेगी, अभी हम सब चलेंगे। मामा आपने सही सुना ना, वो लोग कल आ रहे हैं ना? मैंने खुद दो मर्तबा किशोर से कंफर्म किया। अरुण बिलीव इट, मेरा ख्याल है किशोर आंटी को एक बार कॉल करके पता कर लेना चाहिए। आप दीजिए अपने। तुम लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं आता क्या? जाहिर है मामा, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि ऊंट कैसे रिक्शे में बैठ सकता है।
चुप करो तुम। मामा आप मुझे बताएं, किशोर आंटी ने क्या कहा था? कितनी मर्तबा बताऊं? अरे उसने पहले भी गुस्से में आके रिश्ते तोड़ने की बात की है। चलो अच्छी बात है, शुक्र है उसको अब अकल तो आ गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रुकैया बाजी ने ही शब्बीर को समझाया होगा, वैसे भी वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनता है। अच्छा ये लोग कल किस टाइम आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि दोपहर तक आ जाएंगे, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लूंगी मैं। अनस भाई का तो प्राइस बाउंड निकल गया। मुझे इस कदर टेंशन हो रही थी कि किस तरह से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि सब कुछ खुद ब खुद ही हो गया और मेरे घर में तो खुशियां आ रही हैं। मुझे और क्या चाहिए? चलें आप अहमद को लिस्ट दे दें ताकि वो कल का सामान ले आए। नहीं नहीं पापा, आप एक काम करें, आप अनस भाई को लिस्ट दे दें, वो जाके लेकर आ जाएंगे। तुमसे तो कोई काम होता नहीं। मामा आप मुझे लिस्ट दे दें, मैं ले आऊंगा। सही, और तुम भी चलो शराफत से मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। आयशा मैं तुम्हें अपना हमसफर मान लू खुदा, मेरा इंतजार कर रही है। सुनो मैं तुम्हारे लिए बुके ला रहा था, फिर मैंने सोचा तुम बुके तो लेके नहीं जाओगी, उसको रखोगी कहाँ पे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया। अच्छा हुआ जो आप आ गए, बस थोड़ी देर में अनस भी आता ही होगा। हम यहाँ किसी से मिलने नहीं आए, बल्कि कुछ बात करने आए। देखो इश्यत और शहजाद, इसमें बुरा मत मानना, हमारी और तुम्हारी पुरानी रिश्तेदारी है, और इन बच्चों का रिश्ता लगे तो गोया कल की बात है। हमने इस बात से कब इनकार किया बाजी? यही तो हम यहाँ तुम्हें समझाने आए, अनस और आयशा का रिश्ता खत्म करने का मतलब नहीं है। क्या हम रिश्तेदारी खत्म कर रहे हैं? फूफो आप क्या कह रही हैं? तुम चुप करो। लेकिन रुकैया बाजी आप हमें ये तो बता दें कि हमारी गलती क्या है? हमें रिश्ता नहीं करना तो मतलब नहीं करना, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं बात कर रही हूं ना शबीर, तुम खामोश रहो, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आप वजह तो बताइए, हमारे बेटे में क्या बुराई है? ये माँ बाप हैं आयशा के, यही फैसला करेंगे कि इन्होंने अपनी बच्ची की शादी कहाँ करनी है। मैं और तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर ये रिश्ता तो हम सब की बाहमी रजामंदी से हुआ था, इसीलिए तो मैं सबको यहाँ लाई हूँ कि अब बाहमी रजामंदी से खत्म भी हो। शादी ब्याह कोई मजाक या खेल नहीं है, कुछ तो सोचें आप लोग। इशरत बाजी सही कह रही हैं, अगर एक बार हम सब सोच लेते। मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें कुछ वक्त भी मिल जाता और आज ही इधर फैसला भी कर लेती। तुम फिक्र क्यों कर रही हो किश्वर, इशरत का जब दिल चाहे हमारे घर आए जाए, इसके बच्चे आए जाएं, मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ, रिश्तेदारी नहीं। आप ये क्यों नहीं कहती कि हमारे घर में हमें जलील करने के लिए आई हैं? अहमद खामोश रहो, बड़ों की बातों में बिल्कुल नहीं बोलते। मां पापा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये लोग। कामरान, मेरा दुपट्टा तो कामरान। तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि मेरे दिल में उतर गई हो। क्या कर रहे हो? दुपट्टा तो मेरा। मैं सच कह रहा हूँ,
मैंने एक से एक खूबसूरत लड़की देखी लेकिन तुम जैसी नहीं देखी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दुपट्टा दो मेरा। अरे परेशान क्यों हो रही हो, घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि खुद को तुम्हारी खून उतार दूँ। होश में लाने के लिए थप्पड़ जरूरी था। आयशा सुनो, आयशा क्या पता है बेटा क्यों इतनी घबराई हुई हो? हाँ क्या हुआ? तो मेरा साथ दोगी हर हाल में हर मुश्किल में?